हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक्सेल के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सबटोटल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है। अब मुझे यहाँ पर इनका सबटोटल निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि हमें किस चीज़ पे सबटोटल करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं सेल्स पर्सन पे सबटोटल अप्लाई करने वाली हूँ। तो हम पहले सिंगल डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हमें जाना है डेटा टैब पर। यहाँ पर हमें डेटा को ग्रुपिंग कर लेना है। तो इसके लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में ग्रुपिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इन सब का ग्रुप हो चुका है। अब हमें आउटलाइन ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर है सबटोटल, सबटोटल सिलेक्ट कर लेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होगा। अब यहाँ पर हमें सबटोटल अप्लाई करना है सेल्स पर्सन पर। तो सेल्स पर्सन ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। हमें यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, तो हम फिलहाल सम फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको ऐड करना है सबटोटल टू। तो अभी हम यहाँ पे सेल्स पर ऐड करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर हमें कर देना है ओके। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब टोटल अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सब टोटल अप्लाई हो चुका है। ये कुलदीप का, यहाँ पर राजा का, यहाँ पर सीमा का और ये सुमन का। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर नंबर्स एंटर हो चुके हैं। तो थर्ड नंबर पर क्लिक करते कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हम सेकेंड नंबर पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं इनका टोटल यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद जैसे ही आप वन पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ग्रैंड टोटल यहाँ पर आपको शो होगा। फिर से हम थ्री पर क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा डिटेल में आ जाएगा। अब सब टोटल रिमूव करने के लिए हमें फिर से वही डेटा टैब पर आउटलाइन ऑप्शन पे सब टोटल करना है और यहाँ पर हमें कर देना है रिमूव ऑल। तो यहाँ पर सब टोटल रिमूव हो चुका है। अभी अगर हमें सब टोटल प्रोडक्ट पर यूज़ करना है तो हम पहले प्रोडक्ट्स को ग्रुपिंग कर लेंगे। कोई भी डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर डेटा टैब में से ग्रुपिंग कर लेंगे। फिर ये देखिए ग्रुप हो चुका है। अब हम इसे करेंगे आउटलाइन पर सब टोटल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम सेल्स पर्सन की जगह लेंगे प्रोडक्ट और यहाँ पर फंक्शन हम सम ही रखेंगे और सब टोटल हमें करना है सेल्स पर। फिर इसे ओके कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से सब टोटलिंग हो चुकी है। ठीक है, नंबर टू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ टोटल शो हो रहा है सबका। अब वन पर क्लिक करते ही सिर्फ ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पे शो होगा। तो दोस्तों, इस तरीके के और भी एक्सेल रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल रातिंग माइक्रोसॉफ्ट को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।